बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन भर सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर रहीं, ना सिर्फ सियासी बल्कि इंतजामी और सियासी इंतकामी सरगर्मियाँ भी बड़े अरूज पर रहीं। सियासी इंतकामी सरगर्मियों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल मैंने किया कि सदर पाकिस्तान ने भी आज लाहौर में तमाम दिन जो कुछ होता रहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई बड़ी भरपूर ताकत के साथ, जो है कि ये जमान पार्क पर चढ़ाई की गई, शेलिंग हुई, वाटर कैनन यूज़ हुआ, वाटर कैनन पानी के अंदर जो है कि बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कुछ केमिकल मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन जो नज़र आ रही थी उसमें जिस किस्म का DIG ऑपरेशन का स्टेटमेंट था या वजीर दाखिला का ये बयान कि आज ही गिरफ्तार किया जाएगा, इसको घर से निकाला जाएगा और इसको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि गिरफ्तार करके लेके जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ रखना है, क्या करना है। मरियम नवाज साहब ये कहती हैं कि जब तक इंसाफ का पलड़ा तराजू बराबर नहीं होगा, नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, इंतखाब नहीं होगा। तो ये जो सारी सिचुएशन थी उसके तनाजुर के अंदर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जो रात के एलामिया जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बिल्ली बिलआखिर थैले से बाहर आ चुकी है। अगरचे पंजाब में पहले ही 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया था सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी देर की, लेकिन बिल आखिर जो है कि वो सदर मुमलकत से मुलाकात और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद उन्होंने भी 28 मई की तारीख का ऐलान किया, जो 54 दिन रिक्वायर्ड थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी शेड्यूल और सरगर्मियों के हवाले से, वो 7 मई तक कंप्लीट हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर ने मजीद 2-3 हफ्ते जो है कि इस इंतखाब को लेट किया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी उससे मजीद 40 दिन जो है कि इस इलेक्शन को लेट किया गया। लेकिन सबसे हैरान कन बात जो है, गवर्नर पहले भी कह चुके थे और आज भी इजलास के बाद उन्होंने कहा जी के KP के अंदर जो अपना अमान की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, जो फाटा के जो इलाके थे जो अब अजला जो है KP के बन चुके हैं वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि मरदमशुमारी की टीमों के ऊपर भी हमले हुए हैं, तो ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी डिफेंस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और पंजाब की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि जी अवलीन जिम्मेदारी हमारी सरहदों की हिफाजत होती है और इलेक्शन में जो है कि हम साकित ड्यूटी नहीं दे सकते, अलबत्त क्विक रिस्पांस फोर्स के हवाले से ड्यूटी की जा सकती है। उनका ये कहना था कि इलेक्शन ड्यूटी पे क्या हतमी फैसला होगा वफाकी हुकूमत के ऊपर इंसार करता है कि वो क्या फैसला करती है, लेकिन इन तीनों ने मजमूई तौर के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया गया, सेक्रेटरी डिफेंस ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, IG पंजाब ने, जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं उनको इलेक्शन के लिए साजगार करार नहीं दिया और कहा कि इन हालात के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की लॉजिक बड़ी अजीब सी थी कि जी के अभी जो है कि एक सूबे में अगर इलेक्शन होते हैं तो बाद में कौमी और सूबाई इलेक्शन होंगे, तो हम ऐसे हालात के अंदर बारी बारी जो है कि वो स्टाफ फ्राहम नहीं कर सकते ड्यूटियों के लिए। मरदमशुमारी के ऊपर भी इस वक्त हमने असातज़ा लगाए हुए हैं कोई 30,000, तो बार बार हम ये नहीं कर सकते, तो एक दफ़ा ही होनी चाहिए। तो इन्होंने वो जो PDM का बेसिकली बयानिया है वो पेश किया। IG पंजाब ने कहा जी कि पंजाब के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, तो 4-5 माह मजीद चाहिए। सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी हमारा फ़र्ज नहीं है बल्कि अवाम का तहफ़ अवाम की सिक्योरिटी भी हमारा फ़र्ज है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब लॉजिक्स पेश की गई हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को अगर मुलतवी करवाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई भी असम्बली तहलील होगी तो फिर उस वक्त का इंतजार किया जाएगा कि तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली तहलील और एक वक्त में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। आईने पाकिस्तान के अंदर बड़ा वाज़ेह दर्ज है कि जब भी कोई असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। तो इसलिए ये लॉजिक सारी जो है कि ये इन लॉजिक है, गैर मंतकी दलाइल है, इनको शायद अदालत नहीं मानेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वह इलेक्शन को मुलतवी कर सके। वो इन इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं, तहरीरी जो रिपोर्ट्स होंगी उनकी बुनियाद के ऊपर अगर वो समझते हैं कि इस वक्त हमें वफाकी हुकूमत, जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि इन तमाम इतलात की रोशनी में मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा जाए और उनको कहा जाए कि हमें ये रिक्वायरमेंट है और ये तहफ़ात सूबों से उधर से आए तो हमें ये फुलफ़िल की जाए, अगर वहाँ से भी जवाब मनफी होता है
तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद जो है तारीख में इजाफा नहीं कर सकेगा, इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकेगा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगा और वहाँ पे तमाम शवाहिद के साथ चीज़ें पेश करनी होंगी कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी डिफेंस को, आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और केपी के जो आला हुकाम भी शायद अगले एक दो दिनों के अंदर वो भी इजलास के लिए तलब किया जाएगा जब वहाँ का इंतखाबी शेड्यूल ऐलान होगा, तो वहाँ के भी चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि वहाँ अमन की सूरत हाल क्या, इंतजाम क्या हो सकते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट मरतब करके फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा और हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी बड़ा वाजे करार दे चुकी है, आईने पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा वाजे है कि इलेक्शन के अंदर ताखीर हो सकती है, तो सिर्फ ऐसी सूरत के अंदर जब मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी का निफाज हुआ हो, और उस सूरत में भी कोई 3 से 6 महीने जो है इलेक्शन ताखीर हो सकती है। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी का निफाज नहीं हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान के हवाले से जो कोशिशें की जा रही थी उनको गिरफ्तारी करने की और जो हालात बनाने की कोशिश की गई, जिस किस्म के बयानात दिए गए दोबारा से, वो तमाम के तमाम बयानात वाज़े तौर के ऊपर ये नज़र आ रहा था कि कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई को एक बार फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़वाने की कोशिश की जा रही है, पूरे सूबे के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इंतशार बदमनी की कोशिश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत की और मुल्क भर में जो है कहा कि पुरअमन मुजाहरे ज़रूर करें लेकिन चलाओ गहराओ या कोई इस किस्म की कार्रवाई ना करें जिसके नतीजे में इंतखाबात को मुलतवी करने का जवाब या बहाना बनाया जा सके। तो ये कोशिश एक बार फिर ये नाकाम कर दी गई। दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका के जो हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस खत्ते के लिए बड़े नुमाइंदा खसूसी रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान 3 इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, सियासी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है। और इन हालात के अंदर अगर सियासी क्यादत को इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो संगीन हालात मजीद संगीन होंगे, बुरान मजीद संगीन होगा। उनका एक उन्होंने ये भी कहा कि किसी को जेल में डालना, किसी को फांसी पे चढ़ाना या किसी को कत्ल कर देना जो है कि ये मसले का हल नहीं है, ये रास्ता बुरान को हल करने का नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, एक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई और वज़ीर आज़म को जेलों में डाला गया, तो उस तारीखी तनाजुर के अंदर आप ये देखें तो ये बयान बड़ा अहम है। इन तमाम हालात के अंदर अब सूरत हाल बनती हुई क्या दिखाई दे रही है, इमरान खान को सिर्फ एक ही मामला तोशाखाना केस है जिसके अंदर उनको 18 तारीख को पेश होना है और ये नोटिस सर्व होना था बनीगाला पे, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस पहले से लाहौर में मौजूद थी और इंतजार कर रही थी इस नोटिस का, और वो नोटिस मिलते ही जो है कि वहाँ पे चढ़ाई कर दी गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया, कल सुबह इसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है और गालिब इमकान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है कि इस नोटिस को मुअत्तल कर देगी। इमरान खान की गिरफ्तारी शायद आज रात किसी वक्त जो है कि दोबारा ये कोशिश की जाए कि उन एक बार फिर, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि अब उनकी गिरफ्तारी शायद नहीं हो सकेगी। इमरान खान जो है कि वीडियो लिंक के जरिए अपनी दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनको पेश होने का मौका दिया जाए, लेकिन ये जो सारी की सारी सिचुएशन है इस वक्त ये पीडीएम के अंदर भी सिर्फ नून लीग का एक खास धड़ा है मरियम नवाज साहिबा का, जिसकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान की, लगता यह है कि उनकी आखिरी सियासी ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, इमरान खान को नहल किया जाए और नवाज शरीफ की वापसी के लिए साजगार माहौल बनाया जाए, उनकी नाहलियत ख़त्म की जाए, उनकी सजा को ख़त्म किया जाए और तभी जो है कि इलेक्शन होंगे, वगरना नहीं होंगे। तो ये ज़िद जो है हमारी इतलात के मुताबिक बहुत से इदारों के ऊपर, बहुत से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर इस ज़िद के ऊपर नागवारी का इजहार किया जा रहा है। अब इस नागवारी के नतीजे के अंदर हालात किस तरफ जाते हैं, कितनी इस ज़िद के ऊपर बरकरार रहते हुए हालात को कितना ख़राब किया जाता है, कितना रेस्ट्रेंट का मुजहरा होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, ये बड़े अहम मामलात होंगे। हम आपको इस सिलसिले में अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।